सो हेलो एवरीवन आई होप मेरी वॉइस आप लोग को आ रही होगी है ना तो क्लास जो है इकोनॉमी की जो क्लास चल रही है एक बार बता दो वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी को वॉइस क्लियर है एंड प्लीज जॉइन एवरीवन तो क्लास uh, कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव कंडक्टेड थ्री लेक्चर्स आज हम इस फॉर्मेट में कर रहे हैं uh, ठीक है सो so, ऑलरेडी हमने तीन लेक्चर्स कंडक्ट कर लिए दिस इज़ द फोर्थ वन तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस टॉपिक्स पुराने जो लेक्चर्स हैं उसमें सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं और यहाँ पे आ, रिसेशन और ये सब चीज़ें भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जीडीपी जीएनपी के बारे में आ, ये डिस्कस हो गया है उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसा मेज़र करना है जीडीपी जीएनपी एडवांटेज ये भी डिस्कस हो गया है ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या है दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड ठीक है ग्रॉड वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट है मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इसके इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया है एस्टिमेटिंग जी कैसे करते हैं ट्रांसफर पेमेंट क्या है उसके बाद वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड दैट इज़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस हो गया है एंड देन मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में जी डी के बारे में ये सब टॉपिक्स वी हैव डिस्कस रियल जी डी पी नॉमिनल जी क्या है uh, दोनों में बहुत अच्छे तरीके से वी हैव डिस्कस्ड जीडीपी डिफ्लेटर क्या है दैट आल्सो वी हैव डिस्कस्ड जी डी पी नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर का कंसेप्ट क्या है नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम में दोनों में अंतर क्या है नया जो तरीका जी डी पी का कैलकुलेशन का है वो क्या है किस पर बेस्ड है स्प्लाइसिंग का कंसेप्ट क्या है नाउ लेट्स मूव टूर टूडेज़ टॉपिक एंड आज के जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा देखते हैं एक बार बता देना वॉइस आपकी प्रॉपर क्लियर है सब कुछ सही है तो यहाँ पर सभी लोग थोड़ा सा जल्दी से सेशन को शेयर कर दें एंड मैं आपको विजिबल नहीं हूँ तो उसमें कोई उसमें मतलब आपको कंटेंट पे फोकस करना है आज हिंदू सेशन भी लाइव लिया था तो यहाँ पे देखते हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी वेन यू टॉक अबाउट द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी तो इसमें है ना इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे जैसे हमारी जो इकोनॉमी है उसमें डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं है ना तो जैसे मान लो इफ यू टॉक अबाउट आर इकोनॉमी तो इकोनॉमी में जैसे व्हेन यू टॉक अबाउट द इकोनॉमी जैसे सपोज दिस इज़ आर इकोनॉमी और इस इकोनॉमी के अंदर क्या है इकोनॉमी एक, में अलग अलग सेक्टर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करता है देर आर डिफरेंट सेक्टर्स तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं क्योंकि देखो अगर आप जी डी नापते हो वैन यू मेजर द जी तो यू बेसिकली मनी वैल्यू जो आपका है जो मनी वैल्यू है या मोनिट्री वैल्यू जो भी आपके देश के अंदर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है उसका गुड्स और सर्विसेज जो आपका देश में प्रोड्यूस हो रहा है उसको उसको आप नापते हो थ्रू जी जिसे हम कहते हैं और अगर इफ़ यू आर सेइंग कि कोई आपके देश के अंदर कोई गुड्स सर्विस या प्रोडक्ट जो है वो आपका प्रोड्यूस हो रहा है तो आखिर जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो आपका क्या है डिफरेंट सेक्टर्स के द्वारा कंट्रीब्यूट हो किया जाएगा तो बेसिकली डिफरेंट सेक्टर्स क्या हैं वट आर द बेसिक जो बेसिक जो सेक्टर्स हैं वो आपके क्या हैं तो फर्स्ट याद रखना है प्राइमरी सेक्टर्स प्राइमरी सेक्टर है जैसा अगर देखा जाए किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस बेसिस में इफ यूल ट्राई टू फाइंड आउट तो एक आपका प्राइमरी सेक्टर है दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्सरी सेक्टर जिसको देखेंगे एक बार आगे जाके एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेसिस में ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर ओनरशिप के बेसिस में पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर है तो ओनरशिप मतलब किसके जो ओनरशिप के बेसिस में इफ यूल फाइंड इट तो यहाँ पर क्या है पब्लिक so, सेक्टर मतलब जो सरकारी है प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअली ओन्ड है जॉइंट सेक्टर दोनों का पार्टिसिपेशन है ऑर्गेनाइज जो बेस्ड ऑन सर्टन रूल्स रेगुलेशन है जैसे मान लो कोई भी आप देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसमें कोई कंपनी आ गई है ना वो कोई है ना जो उसमें अलग अलग कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया देन यू है अनऑर्गनाइज सेक्टर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो सर्टन रूल्स रेगुलेशन और उससे न, मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी क्रिएटेड नहीं है प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर इसको आगे भी डिस्कस करता है सो so, यहाँ पे जैसे प्राइमरी सेक्टर में क्या है जैसे एग्रीकल्चर है फिशिंग है डेयरी है मतलब तो जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसको वहीं हम इस्तेमाल कर रहे हैं फिर यहाँ से रॉ मटेरियल लेके कोई चीज़ मैनुफैक्चर करते हैं तो मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है उसे हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं इस तरीके से सर्विस सेक्टर को टर्सरी सेक्टर बोलते हैं तो यहाँ पर याद रखना एग्रीकल्चर फिशिंग डेयरी फॉरेस्ट्री ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है देन वी हैव मैनुफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आप जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है और सर्विस सेक्टर आपका ट्रशरी के अंदर आता है तो ये फैक्ट्स थोड़े से बेसिक शब्दों के बारे में यू नीड टू बी वेरी क्लियर सो स्पेसिफिकली वेन यू से कि प्राइमरी सेक्टर क्या है तो ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे गुड्स जो हैं नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर्स हो सकते हैं और डेरी फिशिंग हो सकती है यहाँ पे यहाँ पे क्या है कि आ, यहाँ पे जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसको चेंज किया जा सकता किया जाता है दूसरे फॉर्म के अंदर उसको चेंज किया जाता है जैसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री जो आपकी आती है और यहाँ टर्सरी सेक्टर के अंदर जो सर्विस सेक्टर है जैसे बैंकिंग ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ये सारी सर्विसेज हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी अ सर्विस सेक्टर उसको हम सर्विस सेक्टर के रूप में कंसिडर जो है वो करते हैं तो ये बेसिक आपको अंतर पता होना चाहिए अबाउट द प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर नेक्स्ट देख लेते हैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसको समझना इसमें बहुत यूनिक है और इसमें आ, आप कुछ चीज़ सीखेंगे है ना ये ऐसी चीज़ है जिसमें ज़्यादा लोगों को क्लैरिटी नहीं रहती बट अब आपसे आपको कभी नहीं बोलेगा देखो एक कंसेप्ट होता है अगर आपको पता हो हम लोग डिस्कस भी कई बार करते हैं है ना आप देखोगे कई बार शब्द यूज होता प्रो साइक्लिकल अप्रोच ठीक है प्रो साइक्लिकल अप्रोच एक ये शब्द याद रखना प्रो साइक्लिकल अप्रोच और एक शब्द यूज होता है काउंटर साइक्लिकल अप्रोच आप ये शब्द सुने होगा आपने कभी काउंटर साइक्लिकल अप्रोच तो यहाँ पे याद रखना एक आपका क्या है प्रो साइक्लिकल अप्रोच है दूसरा हम कहते हैं काउंटर साइक्लिकल अप्रोच ये शब्द अब ये क्या है ठीक है जैसे आप कई बार बोलोगे ना कैसे ऐसे बोलेंगे कि सरकार की जो आगे टॉपिक आएगा फिजिकल पॉलिसी सरकार की जो फिजिकल पॉलिसी है या जो भी मॉनेटरी पॉलिसी आपकी होगी या फिजिकल पॉलिसी खास तौर से वो क्या है प्रो साइक्लिकल है आपने शब्द सुने होंगे ऐसे यूज़ होते हैं प्रोसाइक्ल है या फिर बोलेंगे ये यार ये जो है ना काउंटर साइक्लिकल है तो आखिर ये क्या है आखिर ठीक है ये कंसेप्ट क्या है ये साइक्लिकल शब्द का क्या मतलब होता है वट डज़ इट मीन ये एक एक चर्चा का विषय रहता है तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे हमें हम जो आ, आ, समझ रहे हैं जो ये टॉपिक जो डिस्कशन का चल रहा है वो है कि हम इकोनॉमिक साइकिल को समझने का प्रयास करते हैं इकोनॉमिक साइकिल इकोनॉमिक साइकिल देखो साइकिल में एक कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ जैसे सपोज करो साइकिल क्या होता है इस टाइप से कोई चीज़ जैसे यहाँ से स्टार्ट होगी ठीक है तो सर्कल अगर हम बताते हैं तो मान लो कोई भी चीज़ स्टार्ट होगी तो कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह की स्थिति होगी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इकोनॉमिक साइकिल की बात करते हो वेन्यू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक साइकिल तो इकोनॉमिक साइकिल में क्या है कि जब भी आप इकोनॉमिक साइकिल क्या करेगी इकोनॉमिक साइकिल इकोनॉमिक ग्रोथ को देखेगी तो जब आपका जैसे अगर आपके देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वेन यू टॉक अबाउट मान लो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की हम चर्चा करते हैं तो इकोनॉमिक जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो आ, क्या है कभी आपका क्या होगा कभी एक्सपेंशन होगा मतलब आपका बढ़िया तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं मान लो बूम की स्थिति आ रही है कभी रिसेशन होगा स्लो डाउन होगा ठीक है तो साइकिल साइक्लिकल अप्रोच क्या बोलता है साइक्लिकल अप्रोच बोलता है कभी चीज़ें ऊपर जाएंगी फिर नीचे आएंगी एक्सपेंशन हुआ फिर कॉन्ट्रैक्शन साइकिल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो इसे हम साइक्लिकल शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो इकोनॉमी साइकिल है कभी चीज़ें जैसे मान लो अभी जैसे मान लो कोरोना का समय था यूक्रेन वाला युद्ध हो गया अब ये स्थिति तो हमारे हाथ में नहीं है ना तो कई बार क्या हुआ फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी कई बार जो है चीज़ें एक्सपेंड करेंगी जैसे कई बार जैसे आई और ये सब कहेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही तो हमारी कभी इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये इससे ये जो है कि कभी आपकी इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है और कभी आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो मतलब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या है तो अगर वीन यू टॉक अबाउट है ना तो यहाँ पे आपको समझना है कि जब भी आप बात करते हो विन यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ विन यू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक साइकिल तो इसमें दो मेजर कॉम्पोनेंट है वो क्या है कि एक साइकिल के बेसिस पे कभी एक्सपेंशन हो रहा है और कभी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ठीक है कभी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कभी एक्सपेंशन हो रहा है कभी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसे हम साइकिल इकोनॉमिक साइकिल शब्द हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं थोड़ा मैप पे मैं आपको दिखाता हूँ जैसे इससे आप देखो कि जैसे मान लो कि आपकी इकोनॉमी ऐसे जा रही है ठीक है एक्सपेंड किया पीक तक रीच किया पीक के बाद फिर नीचे आएगी फिर एक्सपेंड करेगी फिर नीचे आएगी फिर एक्सपेंड करेगी तो ये क्या है ये ये आपका साइकिलकल आस्पेक्ट है तो कभी आपकी इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी एक्सपेंड करेगी एक्सपेंड करेगी तो ये स्थिति आपकी इकोनॉमी की रहती है सो वेन यू से कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि समय में कभी इकोनॉमिक ग्रोथ बूम करेगा और अल्टरनेटिव में कभी वो रिसेशन या कॉन्ट्रेक्शन की स्थिति जो है वो आ सकती है तो ये आपकी जीडीपी को भी अफेक्ट करेगा जैसे मान लो अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो बढ़िया तरीके से चीज़ें एक्सपेंड कर रही हैं इफ थिंग्स आर एक्सपेंडिंग अगर चीज़ें एक्सपेंड करेंगी तो अपने आप जो हमारी जो इकोनॉमी है आ, मतलब जो हमारी जी डी है वो बढ़ेगी क्योंकि आपके देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़िया तरीके से तो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसका अपोजिट होगा तो इकोनॉमिक साइकिल में ये एक हिस्सा मानते हैं कि कभी बूम रिकवरी हो कभी बूम हो रहा है कभी रिसेशन आ रहा है तो ये थोड़े से आपको याद रखना अब अब थोड़ा सा और इसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ें अब थोड़ा सा समझते हैं तो यहाँ पे जैसे अब आप देखो कि जैसे मान लो कि जैसे सपोज़ करो कि ये साइकिलकल अप्रोच है सपोज़ करो ये साइकिल है इकोनॉमिक साइकिल है तो अगर आप अपनी पॉलिसी जैसे सरकार अपनी पॉलिसी जैसे सरकार अपने लेवल पे कोई रिफॉर्म्स लेकर आ रही है या सरकार फिस्कल पॉलिसी अपनी लेकर आ रही है फिस्कल पॉलिसी आगे डिस्कस करेंगे तो स, अगर सरकार सपोज करो कि ये जो साइकिल अप्रोच है ना इसी डायरेक्शन में ही कर रही है कि अगर मान मतलब सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मान लो चीज़ें एक्सपैंड कर रही हैं तो फिर वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी ले रही है कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसमें भी वो वै वैसी पॉलिसी मतलब जैसी एक इकोनॉमिक साइकिल है वैसी सेम पॉस सेम पॉलिसी भी है उसकी तो जब ऐसी स्थिति होती है तो हम उसको बोलते हैं प्रो साइक्लिकल अप्रोच ठीक है ये आपको याद रखना प्रो साइक्लिकल अप्रोच है और अगर सपोज करो इसका अपोजिट हो जाए अपोजिट का मतलब क्या है कि मान लो अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है इकनॉमी का तो आपने क्या किया कि टैक्स कम कर दिए या स्पेंडिंग बढ़ा दी ठीक है तो टैक्स कम कर दिया मान लो रिसेशन है अगर रिसेशन की स्थिति जैसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था रिसेशन क्या है कि अगर मान लो सपोज रिसेशन की स्थिति है जब आपकी इकोनॉमी में रिसेशन है इट मीन्स आपकी इकनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी नहीं है अब ऐसी स्थिति में क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए आप डिमांड जनरेट करना चाहते हो और उसमें फिर थोड़ा आ, सरकार स्पेंडिंग कर दे तो यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमिक साइकिल की अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्शन है बट इस कॉन्ट्रैक्शन को काउंटर करने के लिए प्रयास किया जाता मतलब कि ये जो इकोनॉमिक साइकिल है इसके अपोजिट चीज़ें की जाती हैं इसे बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी ठीक है तो ये काउंटर साइक्लिकल जो पॉलिसी है वो आपकी अपनाई जाती है जैसे इस इस टेबल को देखोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे जैसे मान लो प्रोसाइकिल है अगर रिसेशन है रिसेशन है अगर है ना जब मान लो रिसेशन है रिसेशन में आपकी जीडीपी नीचे जाएगी ठीक है जीडीपी नीचे जाएगी तो यहाँ पे जब कॉन्ट्र कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है कि uh, इसमें क्या है जब कॉन्ट्रैक्शन की बात हम करते हैं कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक रिसेशन की स्थिति है तो यहाँ पर भी सरकार के भी स्पेंडिंग आपकी रिड्यूस हो रही है टैक्स बढ़ा रही हैं इसका अपोजिट होना चाहिए असल में अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो अगर मान लो रिसेशन की स्थिति है तो आपको एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेकर आना चाहिए अब जब मान लो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी हम अपनाते हैं तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ेगा टैक्सेस कम होंगे क्योंकि देखो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इकोनॉमी में डिमांड जनरेट होगी आउटकम क्या है कि अगर रिसेशन है तब आप कॉन्ट्रैक्शनरी कॉन्ट्रेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी ला रहे हो एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी ला रहे हो इससे जो जो भी रिसेशन है तो और रिसेशन अगर मान लो रिसेशन की स्थिति है तो वो और नीचे चला जाएगा आपकी इकोनॉमी और नीचे चली जाएगी और अगर एक्सपेंशन uh, है तो वो एक्सपेंशन एम्पलीफाई कर जाएगा तो क्यों क्योंकि जो स्थिति है उसी स्थिति में आप जो है वो कर रहे हो ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि आ, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं ना आप एक एग्जांपल लेते हैं ठीक है ये ले लो ये रामू का एग्जांपल लेते हैं अब रामू को जो है है ना रामू को पॉलिटी पसंद है रामू को लगता है कि है ना रामू को जो है ना पॉलिटी पसंद है और रामू को हिस्ट्री पसंद है अब रामू को पॉलिटी पसंद है तो रामू सुबह से उठता है पॉलिटी पढ़ता है फिर शाम को हिस्ट्री पढ़ता है तो हिस्ट्री पहले पॉलिटी फिर हिस्ट्री पॉलिटी हिस्ट्री पॉलिटी हिस्ट्री यही चलता रहता है अब एग्ज़ाम कोई और आ रहा है है ना अब उसमें पॉलिटी हिस्ट्री है ही नहीं रामू पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ता जा रहा है ठीक है तो मतलब ये क्या है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी फिजिकल पॉलिसी अपनाते हो तो जैसे अगर रिसेशन है तो आपने एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपना ली और अगर मान लो थोड़ा सा चीज़ें एक्सपैंड कर रही हैं तो आपने थोड़ा सा बैलेंस्ड पॉलिसी अपना ली तो ये ये जो अप्रोच है इसको हम काउंटर साइक्लिकल बोलते हैं जैसे मान लो रिसेशन है तो आपने एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपना ली और एक्स, एक्सपेंशन है तो आपने कॉन्ट्रैक्टरी पॉलिसी अपना ली तो इससे क्या है इस अप्रोच को काउंटर साइक्लिकल बोलते हैं तो जब भी आप समझो अभी हम एक डेफिनेशन पर्टिकुलर देखेंगे फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड बट आप ये समझो कि जो आपकी सरकार की फिजिकल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो फिजिकल पॉलिसी Uh, ए, एक तरफ आपकी साइक्लिकल भी हो सकती है इट कैन बी साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी और इट कैन बी काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी अब ये दोनों ही स्थिति में दो चीज़ें आ जाती हैं ठीक है थीके? दोनों ही स्थिति में एक तरफ आपका कॉन्ट्रैक्शनरी हो सकता है कॉन्ट्रैक्शनरी uh, हो सकता है या एक्सपेंशनरी हो सकता है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी हो सकती है और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये भी आपका कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी हो सकती है और ये एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी हो सकती है बट अंतर सिर्फ इतना है कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशनरी जो सिचुएशन प्रविलेंट सिचुएशन है उसको काउंटर करने के लिए होगा यहाँ पे जैसे मान लो रिसेशन है रिसेशन है आपकी इकोनॉमी में डिमांड बिल्कुल भी नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लेकर आओ इसका मतलब सरकार अपनी स्पेंडिंग नहीं करेगी टैक्स बढ़ा देगी टैक्स बढ़ा देगी आपकी जेब में पैसा नहीं होगा खर्चा नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा तो ये जो अप्रोच है इसको थोड़ा सा याद रखना है कि जो हमारी फिजिकल पॉलिसी हो सकती है दैट फिजिकल पॉलिसी कैन बी साइक्लिकल एंड फिजिकल पॉलिसी कैन बी काउंटर साइक्लिकल ठीक है फिजिकल पॉलिसी साइक्लिकल भी हो सकती है फिजिकल पॉलिसी काउंटर साइक्लिकल भी हो सकती है समझ में आया होगा तो एक बार वाई टाइप कर देना किसी को किसी भी चीज में डाउट हो तो बता देना ठीक है क्लास लाइव ही चल रही है चलो मूव करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे थोड़ा सा देखते हैं फिजिकल पॉलिसी पर ही हम डिस्कशन कर लेते हैं ठीक है लेट्स डिस्कस दिस पार्ट फिजिकल पॉलिसी और अगर बढ़िया लग रहा होगा आपको इस सीरीज का बेनिफिट हो रहा होगा तो देखो जहाँ मौका मिले शेयर करना ऐसा नहीं कि अपना लेक्चर ले लिए और फिर जो है ध्यान ही नहीं दे रहे हो थोड़ा सा है ना तो पार्टिसिपेट आप कितना कर सकते हो इसमें कोई आपका फीस तो है नहीं है ना लोग जो है इकोनॉमी के इतने लेक्चर पढ़ाने के लिए पंद्रह हज़ार बीस हज़ार रुपये ले लेते हैं फ्री में पढ़ रहे हो ठीक है ये तो आप देखो ना कितना अमाउंट लग रहा है जीरो अब बस आपसे फ़ीस आपकी सिर्फ इतनी है कि चैनल में अगर आप हो तो कहीं मौका मिले शेयर करो ये सारी चीज़ें हैं है ना ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं पार्टिसिपेशन बेटर है बट फिर भी मैंने ये कहा है कि क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है आप लोग के लिए कि इकोनॉमी मैं आपको बढ़िया तरीके से करा दूंगा और बढ़िया तरीके से आप स... फिर एक बार जब स... पूरी हो जाएगी तो ई बुक बना के यो पी डी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये ई बुक बना के आपको मैं दे दूँगा अभी आपको नोट्स बनाने हैं क्योंकि अभी मैं दे दूंगा तो फिर आप नोट्स नहीं बनाओगे और नोट्स बना लो देखो नोट्स बना लोगे ना इसका अपना ही बेनिफिट होता है फटाफट रिवाइज हो जाएगा तो ये मान लो कि आपकी इकोनॉमी के लगभग 80 नब्बे सौ पेज के नोट्स बन जाएंगे और ई बुक जो बनेगी आपकी वो भी 100 डेढ़ सौ पेज की बन जाएगी बढ़िया सामने बैठ के आराम से फटाफट रिवाइज आपसे हो जाएगी कोई आपको बहुत ज़्यादा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आप देखो अब इकोनॉमी ऐसी है कि अगर आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई ना तो फिर कैसा भी प्रश्न होगा अगर मान लो पंद्रह क्वेश्चन आते हैं तो दस बारह प्रश्न आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न आते हैं उनको आप हैंडल कर सकते हो और हमेशा याद रखना कि जब भी आप इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ मान लो यही लेक्चर के नोट्स बना रहे हो तो तो पढ़ो उसके बाद सोचने का भी समय अपने आप को रखो मतलब ऐसा नहीं फटाफट ऊपर ऊपर से पढ़ लिया आप उसको थिंकिंग भी करो जितनी थिंकिंग करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा ठीक है ये समझना है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ये है फिजिकल पॉलिसी के ऊपर देख लेते हैं सो व्हेन यू टॉक अबाउट द फिजकल पॉलिसी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जैसे मान लो बजट है ना बजट जो सरकार वो भी एक फ़िजकल पॉलिसी का ही आपका uh, इस्तेमाल रहता है तो देखो यहाँ पे दो शब्द आपने समझे होंगे एक आपने मतलब यही चीज़ तो आपने पढ़ी ही होगी कि एक शब्द जो हम यूज़ करते हैं एक तरफ हम बोलते हैं मोनिट्री पॉलिसी अगर आपको पता हो मोनिट्री पॉलिसी और एक तरफ हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी ये दो चीज़ें आपने हमेशा से सुनी होगी अब इस फिजिकल पॉलिसी के दो अप्रोच हमने अभी डिस्कस किए थे मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जनरली ये चीज़ें देखी जाती हैं वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अब इसमें एम क्या है कि वही आपको इन्फ्लेशन को मेनटेन करना है और इकनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई पार्ट है उसको देखना है मनी सप्लाई पार्ट ये सारी चीज़ें ठीक है फिस्कल पॉलिसी जनरली गवर्नमेंट के द्वारा या फिर आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा और आपको ये भी पता होगा कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में कोऑर्डिनेशन हो तो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है यह हम मॉनेटरी पॉलिसी एक आएगा आगे डिस्कस करेंगे तो इसमें आपके सरकार के भी रिप्रेजेंटेटिव और आरबीआई के जो है वो भी सेंट्रल बैंक के रिप्रेजेंटेटिव वही हैं ये है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो फिजकल पॉलिसी है ये फिजिकल पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे मतलब जब फिजिकल पॉलिसी काम करेगा ना तो इसमें कई चीज़ें जैसे ये यहाँ पे कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रमोट किया जाए जिससे रोजगार जनरेट हो या पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे मेंटेन करें और इसके बाद जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कैसे मेंटेन रखा जा सकता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ाई जा सकती है या फिर इक्वालिटी या बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो उसको कैसे प्रॉपर मेंटेन किया जा सकता है तो ये क्या है ये फिस्कल पॉलिसी है तो आप सोचो कि जो सरकार मान लो बजट में कुछ अनाउंस करती है एक एग्जाम्पल लो कि गवर्नमेंट जो है बजट में कुछ अनाउंस करती है तो बजट में सारी चीज़ें होती हैं इसमें इतना टैक्स लगेगा और ये पॉलिसी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे इस सेक्टर को इतना पैसा देंगे तो इसी से आपको आइडिया होना चाहिए कि अच्छा कि अगर फिजिकल पॉलिसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है बजट तो बजट में क्या है बजट में तो यही सारी चीजें ना कि हम इतना रोजगार जनरेट करेंगे हम इसे स्कीम के तहत ये रोजगार करेंगे हम इतने परसेंट ग्रोथ अचीव करेंगे हम गरीबी खत्म करेंगे एजुकेशन हेल्थ ये सब देंगे इस टाइप की चीज़ें आती हैं ना तो यही सारी ऑब्जेक्टिव भी फिजिकल पॉलिसी का है कि आपको क्या करना है आपको एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करना है आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करना है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को मेनटेन करना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेस करना है ये सब चीज़ें होती हैं दूसरा कहा गया कि देखो इसके टूल्स के एक तो टैक्सेशन और पब्लिक स्पेंडिंग है अब इसके टूल्स क्या है फिजिकल पॉलिसी में एक तो टैक्सेशन है टैक्सेशन जिसमें मान लो इनकम टैक्स और ये सारी चीज़ें होती हैं या प्रो इन्वेस्टमेंट है या पब्लिक स्पेंडिंग हो गई जिसमें मतलब सरकार खर्चा करी जिसमें सब्सिडी ट्रांसफर ऑफ पेमेंट वेलफेयर से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं तो सब इसके टूल्स हैं तो ये सब क्या है दीज आर द टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी इस ये ये जो फ़िजिकल पॉलिसी है ये एक्सपेंशनरी भी हो सकती है कॉन्ट्रैक्शनरी भी हो सकती है ये मैंने अभी आपको बताया कि एक्सपेंशनरी भी हो सकती है और कॉन्ट्रे contract, कॉन्ट्रैक्शनरी uh, भी हो सकती है तो यहाँ पे यहाँ पे आपको हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो फिजिकल पॉलिसी है दिस फिजिकल पॉलिसी आपकी जो फिजिकल पॉलिसी है ये आपकी एक्सपेंशनरी भी हो सकती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या होगी ठीक है एक्सपेंशनरी भी हो सकती है और आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी भी हो सकती है ठीक है मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू हैव कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब आपका क्या है कॉन्ट्रैक्शनरी भी हो सकती है और एक्सपेंशन uh, एक्सपेंशनरी expansion. में क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना है क्या करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है और कॉन्ट्रेक्शनरी का मतलब ये क्या है कि जो भी uh, चीज़ है उसको रिड्यूस करना मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करना है स्लो डाउन करना है कैसे करोगे देखो इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे निर्भर निर्भर करती है डिमांड पे ठीक है तो आपने क्या कर दिया टैक्स बढ़ा दिया लोगों के पास पैसा नहीं होगा डिमांड जनरेट नहीं होगा है ना ये है ना तो ये Uh, मान लो आपने टैक्स बढ़ा दिया तो ये क्या अप्रोच होगा कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी होगी है ना और उसके बाद आपको एक्सपैंड करना है तो क्या करोगे डिमांड पे इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करता है तो आपने क्या किया टैक्स रिड्यूस कर दिया तो मान लो रामू है ठीक है रामू ये है रामू है ठीक है रामू के पास रामू को एग्जाम्पल लेते हैं रामू के पास दस हजार रुपए है अब रामू के पास दस हजार रुपए है सरकार ने क्या है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाई रामू को टैक्स बढ़ा दिया अब रामू को बीस परसेंट टैक्स देना पड़ता है दो हजार रुपए उसको टैक्स लग गई एग्जाम्पल ले रहा था आठ हजार रुपए बच्चे अब रामू आठ हजार में अपना घर खर्च चलाएगा सब कुछ खर्चा उर्चा करेगा तो इससे वो वो इकोनॉमी में डिमांड जनरेट ही नहीं होगी ठीक है अब अगर इसका उल्टा ले, ले लेते हैं कि रामू पहले मान लो दस परसेंट टैक्स दे रहा था अब उसे पाँच तो परसेंट देना पड़ रहा मतलब पाँच सौ रुपए देना पड़ रहा अब रामू के पास नौ हजार पाँच सौ रुपए है अब रामू जो है जम के खर्चा कर लेगा बढ़िया है ना नौ हजार पाँच सौ रुपये उसके पास है तो ये जो अप्रोच है ना ये आपकी फिजिकल पॉलिसी की इट कैन बी एक्सपेंशनरी और इट कैन बी कॉन्ट्रैक्शनरी दो तरीके की आपकी ये पॉलिसी हो सकती है बहुत सिंपल सी बात है जो ध्यान में रखना है एक्सपेंशनरी हो सकती है और फिर जो टर्म आपको मैंने बताया कि वो साइक्लिकल भी हो सकती है काउंटर साइक्लिकल भी हो सकती है वो मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन कर दिया कोई डाउट हो तो मुझे बताना नहीं तो वाइट टाइप कर देना सब लोग है ना चलो नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा अब है ना तो जो भी फिजिकल पॉलिसी हमारी आती है उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं एक तो गवर्नमेंट कितना कमा रही है टैक्स लगा रही है खर्चा कितना कर रही है डिसइनवेस्टमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसमें सरकार अपने शेयर जो बेचती है ना जैसे पी एस जिसे हम कहते हैं उसमें सरकार अपने शेयर्स है ना बेच के और प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना रिसोर्स जनरेट करना तो जो भी फिजिकल पॉलिसी होगी तो फिजिकल पॉलिसी में आप समझो सरकार सर मतलब क्या क्या कॉम्पोनेट सरकार की कमाई सरकार कमा क्या रही है है ना सरकार के जेब में कितना जा रहा है ये सरकार के जेब से कितना जा रहा है जेब में कितना आ रहा है मतलब रेवेन्यू कितना आ रहा है खर्चा कितना कर रहा है मतलब जेब से कितना जा रहा है एक्सपेंडिचर टैक्स से रिलेटेड चीज़ें आ जाती है फिजिकल पॉलिसी में और आपका डिसइनवेस्टमेंट भी फिजिकल पॉलिसी के अंदर आता है जिसमें सरकार अपने जो पी, मतलब पी एस यूज हैं उसमें थोड़ा ओनरशिप को रिड्यूस करके या अपने शेयर को रिड्यूस करके जो भी पार्ट है उसको सेल करना और फिर उसको जो है उसके माध्यम से पैसा जनरेट करना ये सारा है तो ये क्या है ऑल दीज आर द कॉम्पोनेट्स ऑफ द फिजिकल पॉलिसी ये बहुत है तो एकदम मंड में एकदम साफ साफ क्लियर होना चाहिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर सपोज अगर सपोज मैं आपसे प्रश्न पूछूँ या बनाऊँ आपके लिए प्रश्न कि सरकार जो है अगर ये एक्स मान लो एक गवर्नमेंट एक्स है अब वो गवर्नमेंट जो है एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपना रही है ठीक है एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपना रही है तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपना रही है या कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपना रही है और रामू है रामू जो है समाज में रहता उसको कोई लेना देना नहीं है बट जो भी पॉलिसी सरकार अपनाएगी रामू इससे अफेक्ट होगा तो जब रामू इससे अफेक्ट होगा तो कैसे अफेक्ट होगा मान लो सबसे बड़ा पार्ट रामू का और तो कोई लेना देना नहीं है रामू को लेना देना क्या है टैक्स से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से उसे लेना देना है तो ये क्या है ये डायरेक्ट रामू को पॉजिटिव या नेगेटिव अफेक्ट कर सकता है सिंपल सी बात है है ना और अगर मान लो जो भी पॉलिसी सरकार अपनाएगी अगर वो अपना मान लो सपोज करो कि टैक्सेशन को कम करती है भले उसका रेवेन्यू कम हो लेकिन लोगों के पास पैसा रहेगा लोगों के पास पैसा रहेगा तो वो खर्चा करेंगे तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो ये सब सोचना है जैसे मैंने आपको कहा ना कि आप सोचने का भी समय इकोनॉमी में जरूर से रखो वो वो चीज आपको बहुत एडवांटेज देगी ठीक है अब एक्सपेंशनरी पॉलिसी और ये देखो मैंने बहुत की पॉइंट्स ऐसे लिखे हुए हैं तो एक तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी दूसरा कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी तीसरा न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी मान लो रिसेशन होता है तब आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेते हो जिसमें सरकार अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है या डिमांड और इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़ाया जाता है थोड़ा ये फोकस आपका किया जाता है तो इसे एक्सपेंशनरी बोलते हैं है ना उसके बाद कॉन्ट्रैक्शनरी में ये जब महंगाई है या है ना जिसमें स्पेंडिंग को रिड्यूस भी किया जाता है रैपिड ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाता है क्योंकि देखो महंगाई एक अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या बिल्कुल महंगाई खत्म हो जाए देखो महंगाई एक चीज और रिफ्लेक्ट करती है ज, आ, है ना एक चीज और रिफ्लेक्ट करती है अब जैसे मान लो कि हमने देखा हमने एक एग्जाम्पल लिया हमने कहा कि देखो बदानी है बदानी का मैंने एग्जाम्पल दिया था बदानी अडानी का भाई बडानी तो बडानी है एक तरफ बडानी है एक तरफ रामू है रामू तो देखो सिंपल सा पर्सन है ठीक है सिंपल आदमी है इतना कोई वो नहीं है अपना खाना पीना थोड़ा बहुत कमाई किया काम वाम किया तो रामू है बडानी जी हैं उनके पास बढ़िया तरीके से कंपनी उम्पनी है फैक्ट्री वैक्ट्री बढ़िया तरीके से अब अब बडानी की स्थिति देखो अब बडानी जो है अगर अगर हम बडानी की बात करें तो बडानी मतलब अगर मान लो इन्फ्लेशन होता है महंगाई होती है तो अगर महंगाई होती है तो रामू का पर्स रामू कैसे सोचेगा और बडानी कैसे सोचेगा समझो अब दूसरी तरफ आप आ जाओ कि सरकार ठीक है तो ठीक है मान लो मोदी जी हैं आपके मोदी जी हैं अब वो कैसे सोचेंगे अब मोदी जी जो हैं उनको तो रामू के वोट चाहिए तो र, और आ, मतलब कुल मिला के ये देखना है कि ये जो इन्फ्लेशन है ये रामू जैसे लोगों को बहुत अफेक्ट ना कर ले तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास मोनिट्री पॉलिसी भी होती है आपके पास क्या होती है मोनिट्री पॉलिसी होती है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल किसी तरीके से किया जाए लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि अगर बडानी की बात करें देखो बडानी जो है ना बडानी जो भी काम करेगा जो भी उसकी फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में अगर जो भी वो बडानी बना रहा है प्रोडक्ट बना रहा है है ना मान लो जो है बडानी जो है एक गाड़ी उसकी गाड़ी की बड़ी फैक्ट्री ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो अब अगर रामू के पास पैसा नहीं होगा कि वो ऑटोमोबाइल सेक्टर मतलब गाड़ी खरीदे तो बडानी गाड़ी बनाएगा किसके लिए सिंपल सी बात है तो यहां पे क्या समझना है कि जब कोई भी प्रोडक्ट मान लो बडानी बना रहा है आज उसका सौ रुपये कीमत है फिर उसका 120 हो गया 130 हो गया एक तो क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन एक लेवल तक होता है ना तो वो इकोनॉमी में डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है लेकिन अगर वो हाइपर हो जाए बहुत ज्यादा हो जाए तो इससे क्या होगा हाइपर तो रामू को भी अफेक्ट कर देगा और हाइपर एक समय के लिए बडानी को जरूर से लगे यार मेरे को तो बेनिफिट हो गया लेकिन आप इस चीज को समझो कि ऐसी स्थिति में जब ऐसी स्थिति में जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं मतलब इन्फ्लेशन एक अलग से टॉपिक है तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बट अभी फिलहाल इतना ही समझो कि इन्फ्लेशन एक लेवल तक जरूरी है एक इन्फ्लेशन जिस लेवल तक जरूरी है उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्योंकि बडानी के लिए बहुत बढ़िया काम हो जाता है क्योंकि बढ़ानी बेसिकली अगर एक लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है तो बढ़ानी मोटिवेटेड रहेगा एक लेवल तक और बहुत ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन हो गया तो रामू के लिए सही नहीं है ना बढ़ाने के लिए भी सही नहीं है इन्वेस्टमेंट और इन सब में देखा जाए तो, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पर आपको ये देखना है कि जब ऐसी स्थिति इन्फ्लेशन की स्थिति आएगी तो इस वजह से क्या है कि इन्फ्लेशन खाली मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल नहीं हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी का अलग से चैप्टर थोड़ा सा ब्रीफ में मतलब मैं बता ही देता हूं कि जैसे मान लो रेपो रेट आपने बढ़ा दिया रेपो रेट बढ़ा दिया अब आपको ये है कि बैंक के बैंक जो है लोन महंगे कर देगा और इससे सारी चीज़ें होंगी तो पैसा ज़्यादा इकोनॉमी में नहीं जाएगा ऐसा सोच रहता है तो लोगों के हाँ तो पैसा नहीं होगा डिमांड नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगा तो खर्च मतलब डिमांड नहीं होगा तो फिर अपने आप अप महंगाई कम हो जाएगी लेकिन समझना क्या है अब इसमें यह थोड़ा थिंकिंग करना आप लोग आप इस चीज़ को समझो कि अगर आर बी सब हमारे देश का सेंट्रल बैंक है आर बी आई ये तो कर लेगा कि डिमांड जनरेट ना हो ज़्यादा तो उसने महंगाई मतलब कंट्रोल करने के लिए डिमांड ज़्यादा जनरेट ना हो तो लोगों के पास पैसा ना हो तो ये अपना जो सिस्टम है मॉनेटरी पॉलिसी का उसके माध्यम से ये स्टैब्लिश कर लेगा लेकिन आप इस चीज़ को भी समझो कि अगर इन्फ्लेशन नॉन मॉनेटरी फैक्टर से हो अब यूक्रेन में युद्ध हो गया जिसमें यूक्रेन रशिया में, में युद्ध हो गया वहाँ से फर्टिलाइज़र आना है वो हमें महंगा मिल गया फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा इससे जो लागत है किसान की बढ़ गई और उससे जो है गेहूँ चावल महंगे हो गए अब इसमें आर बी क्या कर लेगा उसके बाद अगर दूसरा एंगल पे आप जाओ दूसरा एंगल क्या कहता है कि अगर सपोज कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया मार्च के समय में गेहूं की कटाई होनी है और उसी समय जो है इतनी गर्मी हुई कि सारे जो दाने हैं गेहूं के वो सारे जल गए प्रोडक्शन आपका रिड्यूस हो गया इसमें आर क्या कर लेगा तो यहां पर समझना है कि जब नॉन मॉनिट्री फैक्टर्स आ जाते हैं तो आर उसमें कुछ नहीं ज्यादा कर सकता है इस वजह से फिजिकल पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो जाती है जहां पे फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच का एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात करते हैं यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा न्यूट्रल uh, फिजिकल पॉलिसी जो है वो आपका न्यूट्रल uh, जो फिजिकल पॉलिसी है ये आपका बैलेंस बजट को बैलेंस करने के लिए जो भी मतलब मतलब बैलेंस करके चीज़ें इसमें जो है चल चला जाता है ये ध्यान में रख अब बात करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है अकाउंट की बात कर लेते हैं रेवेन्यू अकाउंट जिसमें आप देखोगे ना रेवेन्यू डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट ऐसे शब्दों को आपने कई बार सुना होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं एक रेवेन्यू रेवेन्यू अकाउंट है देखो रेवेन्यू शब्द का क्या है जो भी कमाई हो रही है सरकार की है ना कितनी कमाई क्या खर्चा ये सब रेवेन्यू अकाउंट तो यहाँ पर क्या इसमें कितना आपकी कमाई हो रही है और कितना अच्छा हो रहा है तो कमाई कैसे सरकार करती है है ना रेवेन्यू अकाउंट आप समझना तो यहाँ पे कमाई सरकार कैसे करती है तो कमाई सरकार टैक्स से या नॉन टैक्स तरीके से करती है जैसे मान लो टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स कॉरपोरेशन टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स है तो सरकार कमाई इन्हीं से करती है या तो टैक्स जिस के, के तरीके से अब नहीं नॉन टैक्स तरीके से कम कमाई नॉन टैक्स में जैसे आपका मान लो इंटरेस्ट रिसिप्ट है लोन में या डिविडेंट फ्रॉम पीएससी आरबीआई इन सब से तो ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यूज हो जाते हैं तो सरकार क्या है या तो या नॉन टैक्स तरीके से मतलब जो या फिर नॉन टैक्स तरीके से या टैक्स के तरीके से टैक्स भी क्या हो सकता है डायरेक्ट हो सकता है इनडायरेक्ट हो सकता है डायरेक्ट टैक्स जिसमें जिसकी इनकम उसी की लाइबिलिटी आपकी कमाई है दस लाख रुपये टैक्स भी आपको देना ही है और Uh, जब हम नॉन टैक्स की बात uh, मतलब नॉन टैक्स इनकम की बात करते हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन लोन्स गिवन डिविडेंड फ्रॉम पी एस तो ये सब क्या है नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आते हैं तो रेवेन्यू अकाउंट बेसिकली रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों को देखता है अब इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं तो यहाँ पे जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है ये टैक्स रेवेन्यू हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू में ये सब आ जाता है ये कई बार पूछते हैं ध्यान रखना इंटरेस्ट जो मिलता है प्रॉफिट डिविडेंड फीस एक्सटर्नल ग्रांट स्पेशल असेसमेंट और तो ये सब आपका नॉन टैक्स के अंदर कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आता है लोन की रिकवरी होना डिस इन्वेस्टमेंट बॉरिंग प्रोविडेंट फंड यह कैपिटल रिसिप्ट में आता है तो आपको कई बार आप देखोगे ना प्रश्न आते हैं कि बेसिकली रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बीच में अंतर क्या है है ना क्या रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बीच में अंतर क्या है अब रेवेन्यू अकाउंट जो एक्सपेंडिचर है इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट है डिफेंस है सब्सिडीज़ हैं जो सरकारी उसमें खर्चा होता है जो स्टेट्स को फाइनेंशियल ग्रांट दिया जाता है बट इसमें कुछ एक कंडीशन भी है वो आगे डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे देखो रेवेन्यू अकाउंट के अंदर जो खर्चा किया जाता है वो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं ठीक है इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो डिफ़ेंस में खर्चा कर रहे हो सब्सिडीज़ हो गई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या जो फाइनेंशियल ग्रांट स्टेट्स को दिया जाता है खर्चा के दिया जाता है ठीक है तो इसको एग्जाम्पल लेते हैं कि ठीक है चलो सपोज करो कि यहाँ पे मोदी जी हैं ठीक है अब मोदी जी जो है, है उनके पास उनको जो लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट पे करना तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा डिफेंस में खर्चा कर रहे हैं कुछ लेवल पे तो वो आपका जो है आप कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया सब्सिडी दे रहे हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया और फाइन स्टेट्स को फाइनेंशियल ग्रांट दे रहे हैं और उसमें भी आप कह सकते हैं कि मान लो इसमें स्पेशली वो देना जो जिसमें एसेट क्रिएट नहीं हो रहा आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे आ, अफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का टर्म एक होता है तो फाइनेंशियल ग्रांट अगर स्टेट्स को दिया जा रहा हो बट वो एसेट क्रिएट नहीं कर रहा है एसेट का मतलब होता है जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया रोड रेल और स्टॉप में तो उसको फिर रेवेन्यू ऐसा एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं करते हैं ठीक है तो अगर आपसे पूछे इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है कौन सा नहीं आता है तो ये, ये आपको याद होना चाहिए ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप बिल्कुल प्रश्न कई बार पूछे हैं आप आप देख सकते हो कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है कैपिटल रिसिप्ट में आपका आता है लोन की रिकवरी आ गई ठीक है या फिर एडवांस मेड बाई यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट्स जो दिए जाते हैं एडवांस दिए जाते हैं है ना यूनिट टेरिटरी पी एस यूज या आपका रिसिप्ट में आ गया रिसिप्ट फ्रॉम एसेट के सेल पे जैसे पब्लिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में एसेट्स को बेचा जाए या शेयर्स बेचे जाए है ना जैसे डिस इन्वेस्टमेंट भी एक प्रकार का कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट के अंदर ही आपका कैलकुलेट हो तो मान लो कोई पी है पी में सरकार ने आ, अपने शेयर्स मतलब जो भी स्टेक है उसको थोड़ा सेल किया उससे जो कमाई होगी वो आपका रेवेन्यू कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट के अंदर आएगी एक्सपेंडिचर क्या होगा जो लोन मेड टू द स्टेट्स देखो वहाँ ग्रांट है यहाँ लोन है ये ध्यान रखना और एक्सपेंडिचर फॉर एसेट क्रिएशन अगर मान लो एक्सपेंडिचर एसेट क्रिएशन में होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है तो आ, है ना तो ये शब्द थोड़ा सा समझना कि एसेट एक्सपेंडिचर का क्रिएशन हो रहा है तो वहां पे दैट एक्सपेंडिचर विल विल बी बी इट कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन अगर स्टेट्स यूनियन टेरिटरी पी एस इनको दिया जा रहा है दैट विल ऑल्सो भी का, आ, का, इट विल ऑल्सो भी कंसिडर अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ही कैलकुलेट होगा तो ये थोड़ा सा अंतर समझ लेना है ठीक है आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा ठीक है तो यहां पे आपने क्या सीखा आपने ये चीज़ें सीखी रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है कैपिटल रिसिप्ट क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है ये ध्यान रखना अब एक और इंटरेस्टिंग आपका ये टर्म क्वाइन किया गया था 2012 के अंदर और वो है अफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का एक कंसेप्ट जो है वो सामने आया था ये आपको 2012 में आता है एफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है अच्छा डेफिसिट का मतलब क्या है डेफिसिट शब्द जब आप यूज़ करते हो तो क्या मतलब हुआ इसका रेवेन्यू सपोज़ करो आपकी कमाई सौ है आ, है ना मान लो आपने कमा कमा तो आप सौ है खर्चा एक आ रहा है तो डेफिसिट का मतलब क्या होता है जितनी कमाई कर रहे हो रेवेन्यू से आप रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर माइनस कर रहे हो रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर माइनस कर रहे हो तो ये क्या है ये डेफिसिट बताता है सिंपल सी बात है अब इसमें अफेक्टिव क्या हो सकता है प्रश्न क्या आता है कि अफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो सकता है अफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि आपने सपोज करो कि सौ रुपये आपने कमाया खर्चा आपने एक सौ किया ठीक है तो आपने कहा कि डेफिसिट दस रुपये है रेवेन्यू डेफिसिट आपका निकला है अब इसमें आप ये समझो कि कुछ ऐसा हिस्सा मत तो मान लो इस एक सौ में से आपने बीस रुपये जो है ना वो आपने एसेट क्रिएशन के लिए मान लो स्टेट्स को दिया है तो अब ये जो पैसा है इसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट नहीं करोगे क्यों ऐसा पैसा जो कि इसका हिस्सा है लेकिन आप उसे एसे एसेट क्रिएशन के लिए के लिए वो इस्तेमाल हुआ है तो जब ये सब आप करते हो तो उसे हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट करते इफेक्टिव तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू डेफिसिट एंड द ग्रांट फॉर द क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट। ग्रांट फॉर द क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट आर डिफाइंड एज द ग्रांट इन एट गिवेट टू द बाय द सेंट्रल टू द स्टेट जो ग्रांट uh, दिया जाता है बाय द सेंटर टू द स्टेट टू द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज या बॉडीज को जो पैसा दिया जाता है एसेट क्रिएट करने के लिए तो अगर सपोज करो कि अगर जो ग्रांट ग्रांट जो है वो दिया जा रहा है किसको स्टेट गवर्नमेंट को दिया जा रहा है ये कोई संवैधानिक अथॉरिटी या बॉडी को या कोई ऑटोनमस बॉडी है या किसी स्कीम के तहत दिया जा रहा है जिसका जो ये ग्रांट दिया गया है सेंटर के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है किसके लिए कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए तो जब यह स्थिति आती है तो उसको हम आ, मतलब उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट से अगर आपका रेवेन्यू डेफिसिट मान लो बीस रुपए है और उस बीस में से मान लो रेवेन्यू डेफिसिट आपका बीस रुपए एग्जाम्पल लेकर चलते हैं और दस रुपये उसमें से जो है इस्तेमाल किया गया है इस्तेमाल किया गया है आ, किस लिए कि उस, उसको ग्रांट के रूप में दिया गया था ग्रांट के रूप में अच्छा इसमें समझना ग्रांट शब्द मैंने यूज किया है और अभी जब आपको देखोगे तो मैंने क्या बताया कि जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट कैलकुलेट करते हैं या एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें अगर स्टेट्स को ग्रांट दिया जाता है वो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट हो रहा है लेकिन अगर वही लोन स्टेट्स को दिया जाता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट हो रहा है तो यहां पे आप समझो कि क्योंकि ग्रांट शब्द का मतलब है लोन शब्द अगर आपने यहां पे यूज कर लिया तो फिर ये चीज बैठेगी नहीं तो रेवेन्यू रिसिप्ट से आपने माइनस किया कि वो ग्रांट जो स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसी को भी ग्रांट जो केंद्र सरकार ने दिया है और उस पैसे का इस्तेमाल एसेट क्रिएशन या कैपिटल क्रिएशन में इस्तेमाल होगा तो उसको आप माइनस कर दोगे रेवेन्यू रिसिप्ट से और उससे आपका अफेक्टिव रेवेन्यू जो डेफिसिट है वो आ जाएगा समझ में आ गया होगा आई होप यहां तक आपके ठीक है तो ये स्थिति जो है इसे हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट शब्द हम इस्तेमाल करते हैं कहते हैं ठीक है देखो इनमें ना ये टॉपिक्स में सोचना बहुत जरूरी है आपको सपोज करो आप सोचो ही ना मैंने क्या बोला कि मैंने एक बार बता दिया बट आपको कंफ्यूजन होगा इतने सारे टर्म्स और है ना इतने सारे हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं तो ये सब चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए होती हैं तो ध्यान रखना है।, है चलो अभी अगर आप इस साल की तैयारी कर रहे हो तो इंटरनेशनल रिलेशन का जो कोर्स है वो आपका चालू हो गया है तो इसमें सत्त अभी चालू नहीं हुआ मतलब चालू हो जाएगा इसमें सेवेंटी परसेंट स्टार्टिक होगा थर्टी परसेंट आपका करंट अफेयर्स होगा इसमें ठीक है तो इसमें जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें कवर कर दूंगा तो इसमें इकोनॉमी खत्म होने के बाद आई की क्लासेस शुरू होंगी ये कोर्स होगा ऐप के अंदर क्लासेस होंगी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना ये अभी फिफ्टी ऑफ है ये कोड अप्लाई कोड का ऑप्शन आएगा कोड डाल के ज्वाइन कर लेना और भी कई सारे कोर्सेस हैं एग्रीकल्चर का भी कोर्स लॉन्च चुका है जीएस के लिए ठीक है और साइंस टेक्नोलॉजी का जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों कवर हो जाएंगे और ये है कोई क्वेरी तो आप मुझे इस नंबर पर रीच कर सकते हैं और सारी मतलब आपको ज्वाइन कैसे करना है तो लिंक नीचे दिया हुआ है ऐसे करंट अफेयर की क्लासेस भी चल ही रही हैं इसके अलावा जैसे आपको ज्वाइन ऐसे करना है, तो आप सौरभ पांडे यू पी पर जा सकते हो यहाँ कोर्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्लिक कर दो किसी भी कोर्स पे या फिर बाय नाव पे क्लिक करो फिर यहाँ पर ये खुलेगा इस टाइप से उस पर नंबर डाल के कोड आएगा वेरीफाई कर दो और फिर ज्वाइन कर सकते हो ठीक है तो ये है कोई क्वेरी है तो इस नंबर मैसेज या फिर आप मेल कर सकते हैं तो देखो मैं पूरे तरीके से आपको समझा रहा हूँ करा, कर, कराना है चाहे दो लोग भी लाइव देखें तब भी इसको खत्म कराना है बट अल्टरनेट डेज में करेंगे ठीक है क्योंकि देखो इसको कंप्लीट भी करना है आपको और बहुत ज्यादा करने को तो मैं डेढ़ दो घंटे की क्लास ले लूँ लेकिन उसमें दिक्कत यह होने वाली है कि वो फिर आपको समझ में मैं चाह रहा हूँ कि आप समझो समझो नोट्स बनाओ समझो इस टाइप से और इकोनॉमी आपकी बहुत कमांड हो जाएगी बहुत अच्छी स्थिति में आप इकोनॉमी में हो जाएगी मैं आपको गारंटी देता हूँ ठीक है ई e बुक जो मैं फिर ये क्लासेस होने के बाद जो ई e बुक मैं आपको दूंगा उस ई बुक में आपको थोड़ा सा फ़ायदा मतलब उससे फटाफट रिवाइज होगा लेकिन फिर भी आप नोट्स बनाओ नोट्स बनाने का फायदा ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंप्रूवमेंट होती है अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी जो है वो आपकी होती है ठीक तो, है तो मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर 40 मिनट का मैं लेक्चर टारगेट करके चलता हूँ कि 40 42 मिनट में चलता रहे लेक्चर इतना ही कंसंट्रेशन बनता है और जो जो पढ़ाया जा रहा है चार पाँच छः टॉपिक जो भी टॉपिक्स हों उनको बढ़िया से रीड करो रीड करने के बाद सोचो पुराने लेक्चर्स भी जो ये चौथा लेक्चर है परसों हमारा पाँचवा लेक्चर होगा ठीक है तो मैं जैसे ऐप के अंदर जो क्लासेस चल रही हैं करंट अफेयर्स और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करके चलता हूँ ठीक है क्योंकि एक दिन आप करंट uh, अफेयर की क्लास एक दिन इकोनॉमी तो इस टाइप से है तो थोड़ा सा क्योंकि दोनों में कंटेंट क्रिएट करना फिर चीज़ें देना और अभी जो क्लासेस करंट अफेयर्स के लोग जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको मुझे इकनॉमी का भी एडवांस करंट अफेयर्स करवाना है तो जो करंट अफेयर के कोर्स में देखो आई आर भी कवर होगा मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड हर चीज़ कवर होगी पॉलिटी जोग्रफी इन्वायरमेंट साइंस टेक्नोलॉजी कवर तो आप परेशान नहीं होना है ठीक है उसमें ऐसा नहीं कि मैं कुछ चीज़ छोड़ दूंगा लेकिन इकोनॉमी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको पहले बेसिक पढ़ाना ही पड़ेगा उसके बाद ही आप इकोनॉमी के कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझ पाओगे तो जब तक हमारा पॉलिटी खत्म होगी उसके बाद जोग्रफी एनवायरमेंट साइंस हम करेंगे और जब तक वो मतलब आपका वो होगा उसके बाद फिर इकोनॉमी ले लेंगे तब तक आप बेसिक में बहुत स्ट्रांग हो जाओगे फिर जब मैं इकोनॉमी के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स लूँगा तो आप उनको हैंडल कर लोगे सिंपल सी बात है ठीक है इसलिए ये एफर्ट किया गया एक बहुत बड़ा ये फैक्टर है है तो ये आपको है है इसके बाद हम लोग आई करेंगे आई की क्लासेस ऐप के अंदर होंगी और यूट्यूब में फिर पैरलली मैं आपके लिए पॉलिटी की स्टैटिक शुरू कर दूँगा ठीक है इस टाइप से जो देखो मेरे तरफ से जो प्रयास रहेगा अब जितना एक इंसान प्रयास कर सकता वो है और देखो सबका अपना अपना एक मतलब भगवान कोई ना कोई गिफ्ट देता ही है तो किसी को कुछ मिलता है किसी को कुछ मिलता है हमें जो है केवे करंट अफेयर्स पढ़ाते पढ़ाते कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को देखते 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 हर सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है आ, सिर्फ हिस्ट्री को छोड़ के ठीक है हिस्ट्री थोड़ा सा उसमें तो नहीं अंडरस्टैंडिंग इतनी बनी है लेकिन और सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा खासा कमांड है आप है ना तो आप खुद देख सकते हो लेक्चर के लेवल पे तो आपको बेनिफिट उठाना चाहिए इस चीज़ का ठीक है बेनिफिट उठाना चाहिए आप जो है बड़ी तरीके से जो भी नोट्स बना लो अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी अब यही कोर्स कहीं करोगे इधर उधर तो आपको खुद पता है कि बहुत कॉस्टली होता है चलो मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर थैंक यू एवरी थैंक यू